हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज कुछ ऐसी मिठाई बनाते हैं जो कि बिना झंझट के जल्दी से बन जाए। तो क्यों ना हम एक जो गुलाब जामुन मिक्स होता है ना, वो लेके आते हैं। और मैंने लिया है यहाँ पे बैम्बिनो का जो गुलाब जामुन मिक्स होता है वो लिया है। इसमें इंस्ट्रक्शन सारे लिखे हुए होते हैं, क्या करना है आपको। मिक्स को निकालना है एक बोल में, पानी से इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। बस इसको गूंधते समय आपको ये ध्यान लगाना है कि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नॉर्मल बस हल्के हाथों से गूंधिए और वो बन के रेडी हो जाता है। और उसके बाद उस सॉफ्ट डोसे आपको बनाने हैं गुलाब जामुन। अब छोटा या बड़ा वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाने। तो मैंने तो कुछ कुछ छोटे भी बना लिए और कुछ कुछ बड़े भी बना लिए। और एक ट्रिक मैं आपको बताऊं कि जब आप इसको बनाएं ना, हल्का सा हाथों से प्रेस कीजिए, उससे क्या होता है कि इसके बीच में ना जो क्रैक्स होती हैं ये नहीं आती। आप इसे चिपका के भी बना सकते हैं, लेकिन क्रैक्स से क्या होता है कि जब कभी कभी ना फटने के चांसेस रहते हैं गुलाब जामुन के। तो हल्के से इसी तरीके से घुमाइए और सारे गुलाब जामुन को रेडी कर लीजिए। तो मैंने तो बना के रेडी कर लिए। और साइड बाय साइड मैंने एक तेल भी रख दिया था गर्म करने के लिए, रिफाइंड ऑयल मीडियम फ्लेम पे। और अब इनकी बारी आती है फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए भी इसमें क्या करना है, आपको इसको कंटिन्यूअस ना हिलाते हुए मीडियम से लो फ्लेम पे करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो एकदम से जल जाएगा। और चलाते हुए जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर या जैसा भी कलर आप चाहते हैं, आप चाहे तो लाइट कलर भी रख सकते हैं, और अगर आपको डार्क जो ब्लैक वाले होते हैं ना आप वैसे भी रख सकते हैं। तो दोनों चॉइस आपकी है। तो मैंने तो थोड़े डार्क सा शेड रखा है क्योंकि मुझे डार्क वाले ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद बारी आती है चाशनी की। फ्राई करने के ना एक मिनट बाद आप इनको ना गर्म गर्म चाशनी में डाल देना। चाशनी की रेसिपी ऐसी होती है कि जितना भी आप शुगर लें उसकी हाफ क्वांटिटी का पानी लीजिए। और गर्म गर्म चाशनी को बोल में डाला और जो सारे गुलाब जामुन थे वो हमने उसके अंदर डाल दिए। और 10 से 15 मिनट आप उसको सोक करने के लिए रखिए और आपके जो गुलाब जामुन है ना अच्छे से फूल जाते हैं। आप उसको हिलाइए और उसके बाद इसको सर्व कीजिए। तो मैं पहले आपको एक दिखा देती हूँ कि कैसा सॉफ्ट बना है। इसको कटोरी में निकाल लेते हैं। वैसे तो सॉफ्ट बन जाते हैं ईजिली गर्म गर्म चाशनी में अगर आप डालते हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा गुलाब जामुन और फ्रेश घर का देसी बिल्कुल बन के रेडी है। तो आप घर में बनाइए इस दिवाली और मेहमानों को खिलाइए या खुद ही खा लीजिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और ईजी रेसिपीज़ के लिए हर रोज़। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।